प्रतापगढ़ गांधी चौराहा प्रतापगढ़ की सबसे प्रसिद्ध होली, सबसे बड़ी होली इसे कहा जाता है। शहर भर के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। शहर का गांधी चौराहा प्रतापगढ़ का हृदय स्थल है। हम गांधी चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर अभी कुछ समय बाद होली जलने वाली है। होली मतलब बुराई का अंत, बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में यहाँ गांधी चौराहे पर होली जलाती है। हर साल होली यहाँ जलाई जाती है। इस बार इस होली की खासियत ये रही है कि लोकसभा आम चुनाव 2019 को लेकर भी यहाँ पर इस होलिका दहन के स्थल पर अपील की जा रही है। यहाँ सिर्फ इन आयोजकों द्वारा ही अपील नहीं की जा रही है, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ ने भी यहाँ पर होली के रंग लोकतंत्र के संग उत्सव के रूप में मनाया है। इन्होंने अपील करी है कि इस बार अधिक से अधिक मतदान हो और देश की जनता लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आहुति दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। यहाँ इस होली की खासियत यह है कि शहर के गांधी चौराहे के व्यापारियों द्वारा मिलकर यह होली का दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और शहर भर के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक लोगों से किस तरह से वो इस आयोजन को इतनी सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। गांधी चौराहे पर होलिका दहन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बच्चे ही नहीं, बड़े ही नहीं, सभी तरह के वर्ग, हर तरह के लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं और गांधी चौराहे पर होलिका दहन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। यहाँ पर विशेष तरीके से होली को सजाया गया है और होलिका दहन पर इस बार खासियत ये है कि साथ में मतदान को लेकर भी अपील की गई है। कुछ ही देर में यहाँ पर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, एमएलए सहित जनप्रतिनिधि पधारने वाले हैं और उसके बाद होलिका दहन होगा। आइए हम जानते हैं शहरवासियों से। हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं और अब ये बताएंगे होली को लेकर इनकी क्या मान्यता है और किस तरह से ये होली का त्यौहार मनाते हैं। धन्यवाद मनोज जी कांठल की आवाज। सबसे पहले मैं सभी नगरवासियों और मित्रजनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ ये भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि होलिका दहन आखिर में क्यों किया जाता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, भक्त प्रहलाद को लेकर यह होलिका दहन किया जाता है और उनके पिताजी हिरण्यकश्यप, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनसे उन्हें वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी तरह मर नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने लोगों से कहा कि मेरी पूजा करो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। सब लोग डर के उनकी पूजा करने लगे और भक्त प्रहलाद स्वयं उनका पुत्र होने के बाद भी भगवान विष्णु की पूजा करता था, लेकिन अपने पिताजी की नहीं। इस बात को लेकर जो उसे मारना चाहते थे कि ये आखिरकार मेरी पूजा क्यों नहीं करता, इसी चीज को लेके उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए प्रहलाद को अंतिम श्वास उसकी खत्म करने के, उसकी रोक देने के, उसे मृत्यु दंड देने के, लेकिन हर बार वो असफल रहे। अंततः उनकी बहन यानी भक्त प्रहलाद की बुआ, जो जिनको एक वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में भी नहीं जल सकती, उन्होंने कहा कि आप इसे मेरी गोदी में बिठाइए और मैं इसे लेके अग्नि में बैठ जाऊंगी, जिससे कि ये खत्म हो जाएगा और ये मर जाएगा, ताकि सारे लोग आप ही की सेवा करने, पूजा करने वाले बचेंगे। और इसी के तहत वो होलिका अपने साथ भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे, उन्हें वरदान प्राप्त हुआ और वह जीवित बच गए। ये प्रथा है जिसके तहत हम होलिका मनाते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक मैं अपने आप से करना चाहूंगा, इस बार मतदान जरूर करें, अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुने, लेकिन मतदान जरूर करें। धन्यवाद। और हम सभी सदस्य शहर का जो भी इन्होंने जितना भी सहयोग किया है उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, इनका जोरदार ताला द्वारा स्वागत किया जाए। लोगों में धर्म के प्रति जागृति है और लोग त्योहारों को इस तरह से हंसी खुशी मना रहे हैं। हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करके इस क्रम को जारी रखेंगे। जैसा कि आप वक्ता ने बताया है कि होलिका क्यों जलाई जाती है वो तो आपको मालूम ही है। ये रंग गुलाल से आपकी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए होली मनाते हैं।
शहरवासी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं किस तरह से ये होलिका दहन को समझते हैं और किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। क्या नाम है सर आपका? भगवान जलस। होली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक त्यौहार है और इस त्यौहार को हम सबको मिलजुल के मनाना चाहिए और एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव भी है तो हम सब मिलके संपूर्ण 100% मतदान हिस्सा ले और इस देश को ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प ले, यही कामना। धन्यवाद। हमारे साथ प्रतापगढ़ गांधी चौराहा पुलिस चौकी प्रभारी ओम सिंह जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे होली को लेकर क्या इनकी मान्यता है और किस तरह से होली का त्यौहार को मनाते हैं। सर, प्रतापगढ़ शहर के सभी नागरिक बंधुओं को होली की बहुत शुभकामनाएं। सभी संप्रदाय आराम से होली का त्यौहार एक दूसरे को सहयोग करें, आराम से मनाएं और सभी को हमारी पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत बधाई, होली की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रीमान कलेक्टर साहब, प्रतापगढ़ जिला, श्रीमान एसपी साहब, प्रतापगढ़ जिला, श्रीमान एमएलए साहब रामलाल जी मीणा साहब, सुरेंद्र जी कंडलिया जी साहब, उदयलाल जी अहिर साहब, कुछ ही दिन देर में हमारे बीच बताने वाले रामलाल जी मीणा साहब, उदयलाल जी अहिर साहब, सुरेंद्र जी कंडलिया जी साहब हमारे बीच बता चुके हैं। होलिका दहन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ पधारे पूर्व मंडी अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सम्मान्य सुरेंद्र जी नल्ले साहब, मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले लोक अध्यक्ष अमर सिंह जी, नगर अध्यक्ष उदयराज अहिर साहब, हमारे पास आशीष जी, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दूर सिंह जी आना साहब और सभी मंच पर विराजमान पार्टी के पदाधिकारीगण, प्रबुद्ध नागरिकगण और इस गांधी चौराहे पर उपस्थित मेरे प्रतापगढ़ की सारे सज्जनों, देवियों, युवा साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जिस प्रकार से प्रहलाद ने भक्ति करी थी और आपका नारायण नारायण नाम जपने के बाद में आपने जिस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा करी है, उसी प्रकार से मैं भी आपके सामने एक विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रतापगढ़ की जनता को आप सकुशल रखें, उनको समृद्धि की ओर ले जाएं, उनको खुशहाली की ओर ले जाएं। ये आज इस मौके पर मैं कामना करता हूँ। हे भगवान, मेरी आपसे ये विनती है, जितनी पीड़ा कष्ट प्रतापगढ़ की जनता के लिए सहन करना होगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे मेरी प्रताप की जनता को कोई कष्ट आना नहीं चाहिए। मैं आज इस मौके पर यही कहूंगा और सबसे पहले प्रतापगढ़ में जो पहला प्रोग्राम है, यहाँ चुनाव जीतने के बाद पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं पूरे प्रतापगढ़ नगरवासियों को दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से मुझे चुनाव जिताया है, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं आपके हर विश्वास पे हर काम के ऊपर खड़ा होऊंगा, आपके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ये आप सभी के सामने विश्वास कर रहा हूँ, बुलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे बंधु,